पतित जन पावनी सुर सरिता समी अधम ओ धारिणी आत्मसेति। जन्म जन्मांतरो जानता जोगिये आत्म अनुभव वड़े आज दीधी। भक्त भगीरथ समा भाग्यशाली महा भव्य सौभाग्यनी विनती थी। चारुतर भूमिना नगर नड़ी याद मा पूर्ण कृपा प्रभु वे करी थी। जी स्वरूप समझावना पाम्यो दुख अनन समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। वर्तमान आकार मा मोक्ष मार्ग बहुलो विचार वा आत्माथी ने भाख्यो अत्र अगो। कोई क्रिया जड़ थई रया शुष्क ज्ञान मा कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोय। बाह्य क्रिया मा राचता अंतर भेद न काय ज्ञान मार्ग निषेधता तेह क्रिया जड़ आय। बंद मोक्ष छे कल्पना भाके वाणी माय वर्ते मोहावेश मा शुष्क ज्ञानी ते आय। वैराग्यादि सफर तो जो सह आत्म ज्ञान तेमज आत्म ज्ञान नी प्राप्ति तणा निदान। त्याग विराग न चेत मा तायन तेने ज्ञान अटके त्याग विराग मा तो भूले निज भान। ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहां समझवू ते त्या त्या ते आचरे आत्मार्थी जने। सेवे सद्गुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष पामे ते परमार्थ ने निज पद नो ले लक्ष। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत सद्गुरु लक्षण योग। प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार एवो लक्ष्य थया विना उगे न आत्म विचार। सद्गुरु ना उपदेश वन समझायन जिन रूप समझावन उपकार शो समझे जिन स्वरूप। आत्मा दी अस्तित्व ना जेह निरूपक शास्त्र प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्याधार सुपात्र। अथवा सद्गुरु ए कहया जे अवगाहन काज ते नित्य विचार वा करी मतांतर त्याज। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष पाम्याएम अनंत छे भाक्यों जिन निर्दोष। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग थी स्वच्छंद ते रोकाय अन्य उपाय कर्यात की प्राये बमणो थाय। स्वच्छंद मत आग्रह तजी वरते सद्गुरु लक्ष समकित तेने भाखियों कारण गणी प्रत्यक्ष। मानादिक शत्रु महानिज छंदे नमराय जाता सद्गुरु शरण मा अल्प प्रयासे जाय। जे सद्गुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान गुरु रया छदमस्त पण विनय करे भगवान। एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग मूढ़ हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सुभाग्य। असद्गुरु ए विनय नो लाभ लहे जो काय महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भव जड़माय। होयम मुमुक्षु जीवते समझे ह विचार होयम तार्थी जीवते अवड़ो ले निर्धार। होयम तार्थी ते हने थायन आत्म लक्ष ते हम तार्थी लक्षणो अही कहा निरपक्ष। बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं ते माने गुरु सत अथवा निज गुण धर्म ना ते गुरु माज ममत। जे जिन देह प्रमाण ने समवसरणादि सिद्धि वर्णन समझे जीन नो रोकी रहे निज बुद्धि। प्रत्यक्ष सदगुरु योग मा वरते दृष्टि विमुख असदगुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थे मुख।
देवादि गति भंगमा जे समझे श्रुत ज्ञान माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान लह्यु स्वरूपन वृत्तिनु ग्रह्यु व्रत अभिमान ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान अथवा निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्द निमाय लोपे सद व्यवहार ने साधन रहित थाय ज्ञान दशा पामे नहीं साधन दशा नकाय पामे तेनो संग जे ते बूढ़े भव माय ते पण जीव मतार्थ मा निज माना दी काज पामे नहीं परमार्थ ने अन अधिकारी माज नहीं कषाय उपशांतता नहीं अंतर वैराग सरलपणु न मध्यस्थता ए मतार्थी दुर्भाग लक्षण कहा मतार्थी ना मतार्थ जावा काज हवे कहूँ आत्मार्थी ना आत्म अर्थ सुख साज आत्म ज्ञान त्या मुनि पणु ते साचा गुरु होय बाकी कुल गुरु कल्पना आत्मार्थी नहीं जोय प्रत्यक्ष सदगुरु प्राप्ति नो गणे परम उपकार त्रणे योग एकत्व थी वर्ते आज्ञा धार एक होय त्रण काण मा परमारथ नो पंथ प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत एम विचारी अंतरे शोधे सदगुरु योग काम एक आत्मार्थ नो बीजो नहीं मन रोग कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास दशान एवी ज्या सुधी जीव लहे नहीं जोग मोक्ष मार्ग पामे नहीं मटे न अंतर रोग आवे जाए वी दशा सदगुरु बोध सुहाय ते बोधे सुविचारणा त्या प्रगटे सुखदाय ज्या प्रगटे सुविचारणा त्या प्रगटे निज ज्ञान जे ज्ञाने क्षय मोह थई पामे पद निर्वाण उपजे ते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझाय गुरु शिष्य संवाद थी भाखू षट पद आई आत्मा छे ते नित्य छे छे करता निज कर्म छे भोक्ता वड़ी मोक्ष छे मोक्ष उपाय सुधर्म षट स्थानक संक्षेप मा षट दर्शन पढ़ते समझावा परमार्थ ने कह्या ज्ञानिये नथी दृष्टि माव तो नथी जना तुरु बीजो पण अनुभव नहीं तेथी न जीव स्वरूप अथवा देहज आत्मा अथवा इंद्रिय प्राण मिथ्या जुदो मानवो नहीं जुदू एंधान वड़ी जो आत्मा होय तो जणाय ते नहीं के जणाय जो ते होय तो घटपट आदि जेम माटे छे नहीं आत्मा मिथ्या मोक्ष उपाय ए अंतर शंका तनो समझावो सदुपाय भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान पण ते बन्ने भिन्न छे प्रगट लक्षणे भान भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान पण ते बन्ने भिन्न छे जे मसी ने म्यान जे दृष्टा छे दृष्टि नो जे जाने छे रूप अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप छे इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय नु ज्ञान पांच इंद्री ना विषय नु पण आत्मा ने भान देह न जाने तेह ने जाने न इंद्रिय प्राण आत्मानी सत्ता वड़े तेह प्रवर्ते जान सर्व अवस्था ने विषे न्यारो सदा जनाय प्रगट रूप चैतन्यमय एंधान सदाय घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान
जाणनार ते मान नै कहिए केवो ज्ञान। परम बुद्धि कृष देह मा सूड़ देह मति अल्प, देह होय जो आत्मा घटे नाम विकल्प। जड चेतन नो भिन्न छे केवल प्रकट स्वभाव, एक पणो पामे नहीं त्रणे काल द्वय भाव। आत्मा नी शंका करे आत्मा पोते आ, शंका नो करनार ते अचिरजे हमा। आत्मा ना अस्तित्वना आपे कह्या प्रकार, संभव तेनो थाय छे अंतर करे विचार। बीजी शंका थाय त्या आत्मा नहीं अविनाश, देह योग थी उपजे देह वियोगे नाश। अथवा वस्तु क्षणिक छे क्षणे क्षणे पलटाय, ए अनुभव थी पण नहीं आत्मा नित्य जणाय। देह मात्र संयोग छे वळी जड़ रूपी दृश, चेतन ना उत्पत्ति लय कोना अनुभव वश। जे ना अनुभव वश्य उत्पन्न लय नु ज्ञान, ते थी जुदा बिना थायन के में भान। जे संयोगो देखिए ते अनुभव दृश, उपजे नहीं संयोग थी आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। जड़ थी चेतन उपजे चेतन थी जड़ थाय, एवो अनुभव कोई ने क्यारे कदी न थाय। कोई संयोगो थी नहीं जेनी उत्पत्ति थाय, नाशन तेनो कोई मा ते थी नित्य सदाय। क्रोधादि तरतम्यता सर्पादिक निमाय, पूर्व जन्म संस्कार ते जीव नित्यता त्याय। आत्मा द्रव्य नित्य छे पर्याय पलटाय, बाळादि वैत्रण्यनु ज्ञान एक ने थाय। अथवा ज्ञान क्षणिक नु जे जानी वदनार, वदनारो ते क्षणिक नई कर अनुभव निर्धार। क्यारे कोई वस्तु नो केवल होय न नाश, चेतन पामे नाश तो केमा भले तपास। करता जीवन कर्म नो कर्मज करता कर्म, अथवा सहज स्वभाव का कर्म जीवनो धर्म। आत्मा सदा संग ने करे प्रकृति बंद, अथवा ईश्वर प्रेरणा तेथी जीवय बंद। माटे मोक्ष उपाय नो कोई नहीं तु जणाय, कर्म तनु करता पणु का नहीं जाय। होयन चेतन प्रेरणा कौन ग्रहे तो कर्म, जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा जो विचारी धर्म। जो चेतन कर तू नथी नथी थता तो कर्म, तेथी सहज स्वभाव नहीं तेमज नहीं जीव धर्म। केवल होत असंग जो भासत तने न केम, असंग छे परमार्थ थी पण निज भाने तेम। करता ईश्वर कोई नहीं ईश्वर शुद्ध स्वभाव, अथवा प्रेरक ते गणे ईश्वर दोष प्रभाव। चेतन जो निज भान मा करता आप स्वभाव, बरते नहीं निज भान मा करता कर्म प्रभाव। जीव कर्म करता कहो पण भोक्ता नहीं सोय, शू समझे जड़ कर्म के फल परिणामी होय। फलदाता ईश्वर गणे भोक्ता पणु सधाय, एम कहे ईश्वर तणु ईश्वर पणु ज जाय। ईश्वर सिद्ध थया विना जगत नियम नहीं होय, पछी शुभा शुभ कर्म ना भोग स्थान नहीं कोय। भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, जीव वीर्य निस्पूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप। झेर सुधा समझे नहीं जीव खाय फल थाय, एम शुभा शुभ कर्मनु भोक्ता पणु जणाय। एक रांक ने एक रूप ए आदि जे भेद, कारण बिना न कार्य ते तेज शुभा शुभ वेद। फलदाता ईश्वर तणी ए मा नथी जरूर,
कर्म स्वभावे परिणमे थाय भोग थी दूर। ते भोग्य विशेषना स्थानक द्रव्य स्वभाव गहन वात छे शेष आ कही संक्षेपे सा। करता भोक्ता जीव हो पण तेनो नहीं मोक्ष वीत्यो काल अनंत पण वर्तमान छे दोष। शुभ करे फल भोगवे देवादि गतिमाय अशुभ करे नर कादि फल कर्म रहित न क्याय। जेम शुभाशुभ कर्म पद जान्या सफल प्रमाण तेम निवृत्ति सफलता माटे मोक्ष सुजान। वीत्यो काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव देह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। देहादिक संयोग नो आत्यंतिक वियोग सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग। होय कदापि मोक्ष पद नहीं अविरोध उपाय कर्मो काल अनंत ना शाथी छेद्या जाय। अथवा मत दर्शन गणा कहे उपाय अनेक ते मा मत साचो कयो बने नए हविवे। कई जाति मा मोक्ष छे कया वेश मा मोक्ष एनो निश्चय ना बने घणा भेद ए दोष। तेथी एम जणाय छे मळे न मोक्ष उपाय जीवादि जाण्या तणो शोपकारज थाय। पांचे उत्तर थी थयूं समाधान सर्वां समझू मोक्ष उपाय तो उदय उदय सद्भाग। पांचे उत्तर नी थई आत्मा विषय प्रतीत थाशे मोक्ष उपाय नी सहज प्रतीत रीत। कर्म भाव अज्ञान छे मोक्ष भाव निजवास अंधकार अज्ञान सम नाशे ज्ञान प्रकाश। जे जे कारण बंधना तेह बंधनो पंत ते कारण चेतक दशा मोक्ष पंथ भव अंत। राग द्वेष अज्ञान मुख्य कर्म नि ग्रंथ थाय निवृत्ति जे हती तेज मोक्ष नो पंथ। आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभास रहित जेथी केवल पामिए मोक्ष पंथ तेरी। कर्म अनंत प्रकार ना ते मा मुख्य आठ ते मा मुख्य मोहनीय हणाय ते कहूं पाठ। कर्म मोहनीय भेद बे दर्शन चारित्र नाम हणे बोध वितरागता अचक उपाय आम। कर्म बंद क्रोधादि थी हणे क्षमादिक ते प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने ए माशो संदे। छोड़ी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकल्प कहो मार्ग आसाद शे जन्म तेह ना अल्प। षट पद ना षट प्रश्न ते पूछा करी विचार ते पद नी सर्वांगता मोक्ष मार्ग निर्धार। जाति वेश नो भेद नहीं कहो मार्ग जो होय साधे ते मुक्ति लहे ए मा भेद न कोय। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद अंतर दया ते कहिए जिज्ञास। ते जिज्ञासु जीव ने थाए सदगुरु बोध तो पामे समकीर्तने वर्ते अंतर शोध। मत दर्शन आग्रह तजी वर्ते सदगुरु लक्ष लहे शुद्ध समकीत ते जे मा भेद न पक्ष। वर्ते नीच स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रतीत वृत्ति वहे निज भाव मा परमार्थे समकीत। वर्धमान समकीत थई टाळे मिथ्या भास उदय थाय चारित्रनो वीतराग पदवास। केवल नीच स्वभावनो अखंड वर्ते ज्ञान कहिए केवल ज्ञान ते देह छता निर्वाण। कोटि वर्षन स्वप्न पण जागृत थता शमाय तेम विभाव अनादिनो ज्ञान थता दूर थाय। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म नहीं भोगता तू देहनो
એજ ધર્મ નો મર્મ, એજ ધર્મ થી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ, અનંત દર્શન જ્ઞાન તું અવ્યાપાદ સ્વરૂપ, શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ, બીજું કહીએ કેટલું કર વિચાર તો પામ, નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો આવી અત્ર સમાય, ધરી મૌનતા એમ કઈ સહજ સમાધિ માય, સદગુરુ ના ઉપદેશ થી આવ્યું અપૂર્વ ભાન, નિજ પદ નિજ માહી લયું દૂર થયું અજ્ઞાન, ભાસ્યું નિજ સ્વરૂપ તે શુદ્ધ ચેતના રૂપ, અજર અમર અવિનાશીને દેહાતીત સ્વરૂપ, કરતા ભોગતા કર્મનો વિભાવ વર્તે જ્યાં, વૃત્તિ વહી નિજ ભાવમાં થયો અકર્તા ત્યાં, અથવા નિજ પરિણામ જે શુદ્ધ ચેતના રૂપ, કરતા ભોગતા તેહનો નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ, મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા તે પામે તે પંથ, સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકળ માર્ગ નિર્ગ્રંથ, અહો અહો શ્રી સદગુરુ કરુણા સિંધુ અપાર, આપા મર પર પ્રભુ કર્યો અહો અહો ઉપકાર, શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું આત્માથી સૌહીન, તે તો પ્રભુએ આપ્યો વર્તો ચરણાધીન, આ દેહાદિ આજથી વર્તો પ્રભુ આધીન, દાસ દાસ હું દાસ છું તેહ પ્રભુનો દીન, શત સ્થાનક સમજાવીને ભિન્ન બતાવ્યો આપ, જ્ઞાન થકી તરવારવત એ ઉપકાર અમા, દર્શન શટે સમાય છે આ શટ સ્થાનક માય, વિચારતા વિસ્તારથી સંશય રહે ન કાય, આત્મભ્રાંતિ સમરોગ નહીં સદગુરુ વૈદ્ય સુજાણ, ગુરુ આજ્ઞા સમપથ્ય નહીં ઔષધ વિચાર ધ્યાન, જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ, ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ છેદો નહીં આત્માર્થ, નિશ્ચય વાણી સાંભળે સાધન તજવાનો, નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં સાધન કરવા સોય, નય નિશ્ચય એકાંત થી આમાં નથી કહે, એકાંતે વ્યવહાર નહીં બંને સાથ રહે, ગજમતની જે કલ્પના તે નહીં સદવ્યવહાર, માન નહીં નિજ રૂપનું તે નિશ્ચય નહીં સાર, આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા વર્તમાનમાં હોય, થાશે કાળ ભવિષ્યમાં માર્ગ ભેદ નહીં કોઈ, સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ જે સમજે તે થાય, સદગુરુ આજ્ઞા જીને દશા નિમિત્ત કારણ માય, ઉપાદાનનું નામ લઈ એ જે તજે નિમિત્ત, પામે નહીં સિદ્ધત્વને રહે ભ્રાંતિમાં સ્થિત, મુખથી જ્ઞાન કથે અને અંતર છૂટ્યો નમો, તે પામર પ્રાણી કરે માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ, દયા શાંતિ સમતા ક્ષમા સત્ય ત્યાગ વૈરાગ, હોય મુમુક્ષુ ઘટ વિશે એહ સદાય સુજાગ, મોહ ભાવ ક્ષય હોય જ્યાં અથવા હોય પ્રશાંત, તે કહીએ જ્ઞાની દશા બાકી કહીએ ભ્રાંત, સકળ જગત તે એઠવત અથવા સ્વપ્ન સમાન, તે કહીએ જ્ઞાની દશા બાકી વાચા જ્ઞાન, સ્થાનક પાંચ વિચારીને છઠ્ઠે વર્તે છે, પામે સ્થાનક પાંચમો એમાં નહીં સંદેહ, દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી, શ્રી સૌભાગ્યની શ્રી અચળ આદિ મોક્ષ કાજ, તથા ભવ્ય હિત કારણે કયો બોધ સુખ સાજ, સાધન સિદ્ધ દશા અહી કહી સર્વ સંક્ષેપ, શટ દર્શન સંક્ષેપમાં ભાખ્યા નિર્વિક્ષેપ, પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ, જેણે આપ્યું ભાનને જ તેને સદા પ્રણામ, દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી, તે જ્ઞાની ના ચરણમાં હો વંદન અગણિત,
ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदना गणी हो वंदना गणी हो वंदना गणी।